तो दिल मिले की बात है सजनों, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता। हर दोस्त समझदार नहीं होता, हर व्यक्ति का सपना साकार नहीं होता। हम गाते बजाते जरूर हैं, ये माँ सरस्वती की देन है, वरना पेट से कोई कलाकार नहीं होता। तो मैया की कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद, जो हम गाना बजाना दूर दराज तक जाते हैं आपके आशीर्वाद से, तो आप लोग सुनेंगे अपने ग्राम पिंगरी में ये जिगड़ी का प्रोग्राम। सारी कथाएं, इतिहास, रामायण, भागवत गीता, महाभारत सब आपने सुन रखे हैं, लेकिन बार बार सुनने की इच्छा होती है, यही हमारी संस्कृति है। तो ध्यान को उस जगह केंद्रित करेंगे जहां पे पांचों पांडव और माता कुंती लाखा भवन से निकल करके बियावन जंगल में पहुंचते हैं। एक वृक्ष के नीचे रुके हुए हैं, शाम का वक्त होने को आ रहा है और माता कुंती ने पांचों पुत्रों को बुलाया, भगवान का ध्यान कर रही और कह रही है, कौन से कर्म बिगड़ गए भगवान? कुंती सोचे मन मेरे, और घूम घूम के हम तो हारे भटके बेहड़ बन मेरे। सो है गई सांझ, सुनो तुम पांचों, आज की रात यहीं पे ठहरो और यहाँ भीमा देगो पहरो। कहा चारों बेटा आराम कर लो, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठर, मैं भी सो लेती हूँ, थोड़ा बहुत आराम कर लेती हूँ, और ये भीमसेन जो बेटा है ये पहरा देगा। आहा, हे बंधुओं, उस जंगल में एक राक्षस रहता था, उसका नाम था हिडम्ब, और उसकी एक बहन थी, उसका नाम था हिडम्बा। अचानक उस हिडम्ब ने अपनी बहन को बुलाया और कहा, बहन लगता है घर बैठे शिकार आ गई, जल्दी से चली जा, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, है? और वो हिडम्बा चली और देखिए क्या हुआ। सी गंदा बहन मोए आई रही है बड़ी भारी, महाराज श्री अपने कर कमलों से अनमोल मुद्रा कलाकार को भेंट कर रहे हैं। और सजनों, यों तो देखिए अपने कलाकार अलग अलग अदा रखते हैं, अलग अलग व्यवस्था है, मैं किसी कलाकार की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इतना कहना चाहता हूं कि ये मेरा नियम है, एक मर्यादा है और गुरु का आदेश भी है कि हम मंच को छोड़ के आपके बीच में नहीं आ सकते। तो आशीर्वाद आप लोग बनाए रखेंगे, सुनेंगे। शिकार बनी में जल्दा ढूंढ के लइया, जल्दा ढूंढ के लइया। और भैया क्या बात है भैया, क्या श्रीराम मास्टर जी, देता दुख गरीबों को शैतान उसी को कहते हैं, करता मदद गरीबों की धनवान उसी को कहते हैं। गिर करके संभल जाए इंसान उसी को कहते हैं, और पार लगाए दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं। सजना, इतनी सुन की चली हिडम्बा बाई बनी में आई है, और पहरो दे तो भीम बली जान लियो तुरंत लखाई है। सो रूप देख के मोहित है गई, रूप देख के मोहित है गई, मिले भीम से नैना और शर्माए की बोली मैना।
सज्जनों भीमसेन के रूप को देख करके मोहित हो गई हिडम्बा। सोच रही है कि मेरे भैया ने मुझे किस काम के लिए भेजा और मैं यहाँ क्या सोच रही हूँ। पहले भैया की बात को कहना पड़ेगा और कहा एक दाधारी ये कौन लगते हैं तेरे रिश्ते में, इनको जल्दी से जगा ले, मेरा भैया भूखा बैठा है ना। और क्या जवाब दिया भैया, अरे मेरो भैया और तुम्हें बुला राजी राजी और प्यारे मौत शीश पे गाजी। जल्दी से चलो मेरा भैया भूखा बैठा है। आहा हा भीमसेन मुस्कुरा गए कि ये कौन सी बला आ गई जो हमसे कह रही है छेऊ राजी राजी चलो। और भीमसेन की मुस्कुराहट को देखा, हे सज्जनो अब एकदम से हिडम्बा ने जो मन की बात थी उसको कह डाला है। कहा कि राजी हो तो बन जाओ वरनी तो संग बिहार चला लूंगी और जो पिया तू बन जाएगो तो छेऊ में की जान चाय लूंगी। सात भमरिया संग लू तेरे, सात भमरिया संग लू तेरे, तू वीर बड़ो मतवारो। फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन और ध्यान इधर चाहेंगे आपका। विद्युत आपूर्ति ठप होने के कारण कार्यक्रम में थोड़ा सा विघ्न पड़ा, तो ध्यान को उसी जगह केंद्रित करेंगे जहां यह जिगड़ी का प्रोग्राम चल रहा है। उससे हिडम्बा ने भीमसेन के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और भीमसेन मुस्करा गए और कहने लगे शादी रचाना चाहती है तो सुन हमारी बात, शादी तो होगी लेकिन कैसे भैया। हरो भीमा बोलो सुनो कामिनी और लीजो समझी सारो है और तू तो जबरन ब्याह लंगो तेरो भैया बन जाए सारो है। इस प्रकार से भीमसेन ने कहा, इधर मैं राक्षस सोच रहा है कि बहन को गए काफी समय हो गया अभी तक लौट करके नहीं आई, चक्कर क्या पड़ गया है? तो तय समय है कि चल दो दानों बाई बनी में आयो और जहां जाकी बहन से बतरा तो भीमा पायो। ओहो राक्षस ने देखा ये क्या हो रहा है, मैंने इसको किस लिए भेजा और यहाँ हंस के बात हो रही है। अब तो सज्जनों भीमसेन को ललकारने लगा और अपनी बहन को फटकारने लगा, वो हिडम्बा राक्षस कैसे। हर ललक हर दो
हनुमान जी एक कर कमलों से मुद्राएं दे रहे हैं, अनमोल मुद्राएं। सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और कहा है हस्ती देखी जाने पे सजना। और राक्षस जो है भीम को फटकार रहा है, बहन को भी फटकार रहा है। उधर में जो बाकी के पांडव थे उनकी नींद खुल गई। दाने और भीम की बहस सुनी तो बाकी पंडा जागे हैं, और दाने को मारने हेतु वीर फिर हथियार उठाए कि भागे हैं। सो भीमा बोलो सुन लो भैया, भीमा बोलियो सुन लियो भैया, नहीं कोई हमारे बीच पड़ेगा और जितना मेरे हाथ मरेगा। या तो मी देखूंगा तुमने एक साइड में बगल में हो जाओ। ओहो महान बाबू भीमसेन ने आखिर उस राक्षस को पकड़ लिया। पहले तो बाकी युद्ध हुआ, फिर घूसा, फिर लात चलने लगे। आखिर में हे बंधुओ भीमसेन ने क्या काम किया, सुनिए कथा को। ले चल रहा हूं अपने विश्राम की तरफ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमन श्रीमान जी की तरफ से। 101 रुपए की कर कमलों से मुद्राएं, अनमोल मुद्राएं इस कलाकार को भेंट की जा रही हैं। बहुत बहुत आभार। जखोरा जखोला के हैं, श्रीमान नारायण सिंह जी के भांजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह। अरे भीमन दियो ए मरोरा, अरे भीमन दियो। चैनल की तरफ से जो रिकॉर्ड किया जा रहा है उदय भारत यूट्यूब चैनल की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए क्या जवाब दिया। अरे भीमन दियो मरोरा और ताने की तोड़ी को नमन करता हूं। और फिर ध्यान को वे लगा दे, उस राक्षस का वध कर दिया। माता प्रसन्न हो गई और उड़ान के माध्यम से क्या बतलाया। बहुत बहुत आभार। आइए सो भैया मेरे और सुनो महाराज, सुनेंगे हमारे श्रोताओं की मांग के साथ से। हे हिडंबा भारत के महान कलाकार रविंद्र जैन जी ने इसको गाया है रामायण सीरियल के माध्यम से। जब भरत जी
ननिहाल से आए हैं अवधपुरी में। केकई ने कहा बेटा भरत आ जाओ तुम्हारे राज में। केवल एक रोड़ा था उसको मैंने हटा दिया। भैया राम कहाँ है माँ? ये उस राम को मैंने वन में भेज दिया। भरत जी ने सुना तो एकदम घबरा गए और क्या जवाब दिया सुनिए। ओ मैया तेने ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दिए। राम सिया भेज दिए।